आज ना मैं अपने व्लॉग में ना एक नई चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, जिसमें हम आपको पैसे सिखाएंगे। पैसे ऐसे कि ये मैंगो आजकल बहुत आ रहे हैं, 100 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक। देखिए जिधर भी देखो मैंगो की रेड़ियाँ लगी हुई हैं। तो आज हम 3 किस्म के मैंगो ट्राई करेंगे, जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि क्वालिटी वाइज, टेस्ट वाइज और प्राइस के लिहाज से कौन से मैंगो जो है ना वो बेस्ट है। ठीक है, अभी चलते हैं जिसके पास ज़्यादा क्वांटिटी में पड़े हुए हैं ना, उनके पास चलते हैं। शायद को 2-3 किस्में एक ही रेडी से मिल जाए, नहीं तो फिर जाके किसी और से ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा याद आया, पहले तो ना हमने ढूंढेंगे बुजुर्ग अंकल, अगर कोई मैंगो वाले कोई बुजुर्ग अंकल मिलते हैं ना, तो हम पहले उनको ढूंढेंगे, क्योंकि बेचारे जो है इतनी गर्मी में, ओल्ड एज में, इतनी बूढ़ी एज में जो है ना वो काम करते हैं, तो पहले तो उनसे ढूंढेंगे ना कि उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। अगर नहीं मिलते उनसे तो फिर हम किसी और को ढूंढेंगे, किसी लड़के को, किसी अंकल को, दूसरे को। नहीं तो पहले तो जो है ना हम पहले किसी बूढ़े अंकल को ढूंढेंगे, बूढ़े आदमी को। तो अभी फिलहाल तो मिला कोई नहीं, आगे चलते हैं। घंटाघर की तरफ जा रहा हूँ, जंग बाजार। तो अभी जिधर ही कोई मिलेगा तो फिर उधर चल के आपको दिखाऊँगा। ये अंकल तो कोई मिले नहीं, कोई भाई मिला इसके पास ना, छोटे छोटे आम नज़र आ रहे हैं। ये केड़ा अंबा, केड़ा अनमोल कटो वाला 150। आधा किलो कर देना। अभी मिला जी हमें अनवर लटोर, लटोर होता है या लटोर होता है जो भी है, अनवर मिल गया हमें। ये हमने लिए आधा किलो, बहुत है, 3 ही बहुत है, इतने गाय जाने। अब हम लेंगे इसके चौथा और साथ में कोई और ढूंढेंगे। ये भाई हमें वेले कटे नजर आए हैं भाई, की रेट है? 120 रुपये। काला ना करो, सारे आवाज सारे ने चिट्टे चौंसे की लाई है इतने। यार एक काम कर दे, अद्धा किलो का ही बस है, बड़ा कर दियो कोई, बल्कि छोटे ही कर दियो, 2 कर दियो। सारे चिट्टा चौंसा कह कह के बात लाई है इन्होंने, अभी 2 किस्म का मैंगो में मिला है, तीसरा ढूंढने जा रहे हैं। इधर काफ़ी लगे हुए अंकल के पास, इनसे पूछते हैं कौन कौन सा पड़ा हुआ है।
ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸੇਬ ਆ? ਰਿਨਾਲ ਦੀ ਗੋਟੇ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਹੀ ਆ ਭਾਈ ਗਾਚਾ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਅੰਬ? ਇਹ ਕਾਲਾ ਤੋਤਾ ਵਾ, ਇਹ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਚਿੱਟੇ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ ਹੈ। ਚਿੱਟੇ ਕਾਲੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸਾਰੇ। ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਚਿੱਟੇ ਦਾ? ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ? ਯਾਰ ਦੋ ਦਾਣੇ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲ। जी तो अभी आ चुके हैं हम रूम पे और हमें मिले हैं सिर्फ ये काला चौंसा, सफ़ेद चौंसा और अनवरटोल। इनके अलावा मार्केट पूरी घूम ली है, कोई मैंगो नहीं मिला, कोई आम नहीं मिला, ठीक है। और हमें चाहिए थे एक एक दो दो आधा किलो तकरीबन, तो इसलिए वैसे भी कोई मिल भी जाता तो शायद एक आम भी किलो का होता तो मैं ले लेता, लेकिन कोई और किस्म का मिला ही नहीं है। जंग बाज़ार घूम लिया और बाकी पूरा बाज़ार घूमने की हिम्मत नहीं है कि मैं अच्छा आठ के आठ बाज़ार घूमूं। तो अभी फ़िलहाल काला चौंसा, सफ़ेद चौंसा और अनवरटोल इनको ट्राई करते हैं, चेक करते हैं कि इनका जो टेस्ट है वो कैसा है, कितनी प्राइस रेंज है और क्या सीन है इनका, वो चेक करते हैं। ये मिले हैं जी हमें काला चौंसा, ये मिला 120 रुपए किलो, मतलब आधा किलो मिले हैं 60 के। ये है सफ़ेद चौंसा, ये थोड़े महंगे चल रहे हैं, किसी जगह पे 300 है, किसी जगह पे 400 है, और हमें मिले हैं 160 रुपए में ये, मतलब 80 रुपए किलो, 80 रुपए के आधा किलो, 160 रुपए किलो। और ये अनवरटोल ये निके निके से ये आए हैं जी हमारे हिस्से में तीन छोटे दाने, और ये मिले हैं हमें ये भी 160। अभी कीमत इनकी होगी तीनों की 120, 160 और 160। अब इनका होगा टेस्ट, वो चेक करते हैं कि ये कैसा है, ये कैसा है और ये कैसा है, और इस प्राइस रेंज में जो इसकी प्राइस है 120 में ये मीठा है, ये मीठा है 160 में, या ये मीठा है 160 में, ये चीज़ हम आज क्लेरिफाई करेंगे। अभी पहले इसको ट्राई करते हैं, बाकी दोनों को रखते हैं साइड पे, इसको काटेंगे ऐसे। ये हमारी लोकल सी छुरी है हॉस्टल की। ये दो काला चौंसा, सफ़ेद चौंसा और ये अनवरटोल, इनकी ट्राई की बारी। मैं टेस्ट चेक कर लूं पहले फिर रिव्यू देता हूं तीनों का इकट्ठा। अभी 120 का काला चौंसा, 160 का वाइट और 160 का ही अनवरटोल। ये 120 वाला तो कर देना साइड पे, ये जो काला चौंसा है ना ये कोई इतना ख़ास मज़े का नहीं है, ना ही आवाम जल्दी लेती है, क्योंकि देखा है मैंने इन पे आवाम कम ही जाती है। अरे इसकी बात, ये आप अगर 160 में ले रहे हो ना किलो ऐसा तो ना लो, इससे अच्छा है 120 रुपये ज़्यादा भर के 300 में ले लो, ताज़ा ले लो, वो ज़्यादा टेस्ट देंगे। टेस्ट इसका है लेकिन ये है कि ताज़ा का पहले भी ट्राई किया मैंने, लेकिन आज जो है ना ये कल परसों वाले जो हैं इसका टेस्ट थोड़ा बदला बदला सा लग रहा है सही, लेकिन थोड़ा सा चेंज लग रहा है। और ये उसी प्राइस रेंज में 160 वाली में किलो जो ये है ना ये खा ले बंदा, ये भी छोड़े, ये भी छोड़े, ये खा ले अनवरटोल। एक तो क्वांटिटी से ज़्यादा आ जाएगी किलो में, बच्चों को देते वक्त बंदा एक एक पकड़ा देता है, चलो जी बच्चे भी राजी हो जाते हैं कि हमें एक पूरा आम मिल गया,
होता इतू सा छोटा सा छोटा सा। लेकिन ये है कि ये जो मेरे रिव्यू के हिसाब से ना ये नंबर ले गया, कि इसकी प्राइस भी कम है। हाँ काले चौंसे की प्राइस कम है, लेकिन यह है कि वो मज़ेदार नहीं है। अगर इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए ना, इन दोनों का, फेज चौंसे का और अनवरा टोल का, तो कीमत फेज चौंसे की ज़्यादा है और अनवरा टोल की कम है, लेकिन टेस्ट जो है वो दोनों का तकरीबन सेम है। और अगर सेम ऐसे ही प्राइस वाइज, वैसे तो ये जो मुझे है ना ये ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। तो अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप 300 वाला चौंसा लेते हैं, 160 वाला लेते हैं, 120 वाला लेते हैं या अनवरा टोल लेते हैं। ठीक है, ये मुझे बेस्ट लगा है खाने में। तो आहो बाकी जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसे ही कंपैरिजन लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोस में। तो देखते रहिएगा, वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।